तो दोस्तों ट्रेलर को लगातार बार बार देखने के बाद और वॉर मूवी को एक और बार देखने के बाद कुछ ऐसी माइनर डिटेल्स निकल के आपके लिए लाया हूँ कि आप शॉक हो जाएंगे और बोलेंगे अब तो कनेक्शन भाई पक्का ही है। प्रूफ के साथ लाया हूँ, वीडियो एंड तक देखना और आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पठान को सपोर्ट कर रहे हैं, इस मूवी को सपोर्ट कर रहे हैं, प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वॉर मूवी में कर्नल लूथरा कबीर से कहते हैं कि खालिद को तुम अपनी टीम में रखो, लेकिन कबीर कहता है कि इसका बाप जो है गद्दार था और इन दोनों के बीच मेरा एक पार्टनर मारा गया था। मैं तो बच गया। मेरा बड़ी, मेरा पार्टनर जो उसके बाप और मेरे बीच खड़ा था, वो नहीं बचा, जिंदा है। अब आप बोलेंगे कि यार वो पार्टनर कौन था, तो मेरे को तो भाई 100% लग रहा है कि वो पार्टनर पठान ही था। अब आप बोलेंगे कैसे, तो वॉर मूवी में उस पार्टनर का जिक्र कबीर सिर्फ उसी टाइम करता है, उसके बाद नहीं करता है। उसके बाद उस पार्टनर की कोई भी डिटेल्स हमें नहीं बताई जाती है वॉर मूवी के अंदर। वॉर मूवी के एंड में इलियास एक मिसाइल लॉन्च करता है और बोलता है कि ये ब्रह्मा मिसाइल इंडिया के बॉर्डर पर खड़े जवानों के लिए लॉन्च कर देता है जिनको तहस नहस कर देगी, लेकिन उसके कोऑर्डिनेट्स बदल जाते हैं और वो रिवर्स कर दिया जाता है और सीधा वो उस ही शिप पर आकर गिर जाती है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो उस शिप पर लिखा था P-26 एक्सप्लोरर। और फिर आप पठान मूवी के ट्रेलर में ये जो शिप है इसको जूम करेंगे, तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही लिखा है P-26 एक्सप्लोरर, मतलब कनेक्शन तो भाई पूरा तगड़ा ही है। तो आप इस फोटो में देखिए, मैंने जूम किया है, इसमें लिखा है नॉर्वेन शिप नेम्ड एसगार्ड, पायरेट्स डिस्ट्रॉयड द शिप इन द गल्फ ऑफ एडेन, बिगेस्ट इकोलॉजिकल डिजास्टर ऑफ द डिकेड, कर्टेसी बोको हराम टेररिस्ट ग्रुप। तो यार मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये सारे कांड के पीछे बोको हराम टेररिस्ट ग्रुप ही है और ये जोन का जो आउटफिट एक्स टेररिस्ट ग्रुप है इसको फंड करने वाला भी बोको हराम टेररिस्ट ग्रुप ही है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये पाकिस्तान का ही ग्रुप होगा, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तानी उंगली करता है फिर हम उनकी उंगली तोड़ देते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं मेरी थ्योरी और प्रिडिक्शन के हिसाब से लगता है कि भाई कबीर जो है आपको पठान मूवी में 100% देखने को मिलने वाला है। अब ये मेरा प्रिडिक्शन है, नहीं देखने मिला तो मेरे को आके गालियाँ मत देना है ना। तो भाई लोग अगर मैं अपने प्रिडिक्शन को एक्स्ट्रा लेवल पर लेके जाऊं तो मेरे को तो लग रहा है कि भाई इन सब के पीछे इमरान हाशमी निकलेगा। अब आप बोलेंगे भाई इमरान हाशमी कहाँ से आ गया, तो भाई टाइगर थ्री का मेन विलन इमरान हाशमी ही रहेगा जो कि एक पाकिस्तानी स्पाई रहेगा। मेरे सबसे वो बोको हराम टेररिस्ट ग्रुप का हेड भी हो सकता है, या फिर यहाँ पर देखो जोन को मारने के बाद पता चले कि वो बोको हराम ने उसको फंड किया है और फिर टाइगर वो स्टोरी आगे लेके जाएगा टाइगर थ्री में, जब बोको हराम को हंट करने निकलेगा और बोको हराम का शायद इमरान हाशमी हो सकता है। तो बस ये थियोरीज है, फैन थियोरीज है, प्रेडिक्शन है। तो अब वो तो हमको 25 तारीख को ही पता चलेगा क्या होने वाला है क्या नहीं। बस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप एसआरके के सच्चे फैन है, टाइगर के सच्चे फैन है और ऋतिक के सच्चे फैन है, तो आपको इस वीडियो को जरूर लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आपको कमेंट्स में अपनी थ्योरी बतानी है कि आपको क्या लगता है। मेरे को तो दीपिका पे भी डाउट है, वो मस्त चुतिया बनाएगी।